कि सुप्रीम कोर्ट खुदा है। क्यों सुप्रीम कोर्ट है? हर चीज जो है उसकी बात सही है, ये तो नहीं माना जा सकता। आरएसएस वाले महिलाओं को अधिकार देने की बात कर रहे हैं, कभी किया? मोदी खुद बैकवर्ड है, उसने बैकवर्ड के ओबीसी के 52% लोगों के रिजर्वेशन के बारे में एक शब्द नहीं कहा। तो इससे ये प्रूव होता जाता है कि नरेंद्र मोदी इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड नॉमिनेटेड बाय ब्राह्मिन्स, आरएसएस ब्राह्मिन्स। पार्लियामेंट चलने के बाद पार्लियामेंट के बाहर बयान दे रहा है प्रधानमंत्री, ये तो संविधान का अवमान करने का, संसद के अवमान का मामला है। बैकवर्ड के लिए भी कुछ करने वाली नहीं है ओबीसी, उनको केवल बीजेपी को वोट चाहिए। अभी आपको जो 7 अगस्त को हमारा आदिवासियों के द्वारा भारत बंद है यूसीसी के विरोध में। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हमारे साथ अभी मौजूद हैं वामन मेश्राम और उनसे बात करते हैं, क्योंकि यूसीसी के जो मुद्दे हैं वो देश में तूल पकड़ चुका है और सभी लोगों का अलग अलग मत है। तो इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या कहना है इस पर। बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था यूसीसी, तो अब विरोध क्यों है? किसने कहा बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था? उन्होंने ही कानून मंत्री जब थे उन्होंने अखबार पढ़ा, अखबार में अखबार की बातें पढ़ रही हो, उन्होंने कहा कि कोई यूसीसी लाने की कोशिश करेगा ये मूर्खता होगी, ये रिकॉर्ड में है। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि यूसीसी लाया जाए ताकि महिलाओं पे जो अत्याचार है वो रोक लगे। सुप्रीम कोर्ट खुदा है? सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि सरकार, मेरा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट खुदा है। हर चीज जो है उसकी बात सही है, ये तो नहीं माना जा सकता। नहीं, न्यायपालिका सारी बातें, अगर देश सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई वो मानी नहीं जाती। बहुत सारी गलत बातें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही जा रही है, ये तो सरदार जी के द्वारा भी कही गई ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अच्छा, तो दिक्कत क्या है यूसीसी जो है, यूसीसी के कानून से प्रॉब्लम क्या है? महिलाओं को अगर बराबरी का अधिकार मिलेगा तो ये आप कह रही है, ऐसा कोई ड्राफ्ट आपके पास है कि महिलाओं को अधिकार दे रहे हैं? आरएसएस वाले महिलाओं को अधिकार देने की बात कर रहे हैं, कभी किया? कहते हैं महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित है, महिलाएं सबसे ज्यादा महिलाओं को आरएसएस बराबरी का अधिकार देने के पक्ष में नहीं है। एक तरफ जहां बराबरी और अधिकार के लिए जो बहुजन समाज है वो संघर्ष कर रहा है, दूसरी तरफ अगर यूसीसी आकर बराबरी का अधिकार दिया जा रहा है तो क्या दिक्कत है? भारत के संविधान में केवल यूसीसी है क्या? इक्वेलिटी बिफोर लॉ फंडामेंटल राइट है, उसके लिए तो भारत सरकार ने कभी कोई पहल नहीं की। अभी 9 साल हो गए मोदी को, मोदी खुद बैकवर्ड है, उसने बैकवर्ड के ओबीसी के 52% लोगों के रिजर्वेशन के बारे में एक शब्द नहीं कहा। 9 साल में एक शब्द नहीं कहा। तो इससे ये प्रूव होता जाता है कि नरेंद्र मोदी इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड नॉमिनेटेड बाय ब्राह्मिन्स, आरएसएस ब्राह्मिन्स। महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है, आप भी तो आप जब यूसीसी का महिलाओं को अधिकार देने वाला प्रस्ताव आएगा ना, फिर हम आपसे बात करेंगे। तो इसी के लिए तो है, अगर 2-3 शादियां जो होती है वो बंद हो जाएंगी, महिलाओं को जो होगा बराबरी का अधिकार होगा, तलाक लेने का अधिकार होगा। केवल मुसलमानों को ही 4-5 औरतें करने का अधिकार है, जो लोग कह रहे उन्होंने नहीं कर रहे, वो उनसे ज्यादा कर रहे। हिंदू कोर्ट में ये कह रहा है उनके लिए तो रोक है, हिंदुओं के लिए भी कर रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं, और सरकार उनकी है, कुछ होता नहीं है उनके लिए, कानून है और सजा दी जाती है। मणिपुर से जो घटना आ रही है उस पर सरकार मौन क्यों? सरकार को पूछना चाहिए, मैं सरकार नहीं हूँ। सरकार को पूछने वाला सवाल आप मुझे पूछ रही है। क्या सरकार क्या मौन इसलिए है क्योंकि सरकार को वहाँ ऐसा लगता है कि हम फंस गए हैं। सर, मणिपुर पर मोदी जी ने 36 सेकंड बोले, लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़ पार्लियामेंट में एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों मालूम है? मालूम, प्रेस में बोलना अकेले बोलता है, कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग होता नहीं है। पार्लियामेंट में बोलेंगे तो लोग खड़े होकर के सवाल पूछना शुरू कर देंगे, वहाँ वो जवाब देने लायक नहीं है। पार्लियामेंट में संजय सिंह ने सवाल किया तो उनको निकाल दिया गया, मगर वहाँ तो प्रधानमंत्री ने कोई बयान ही नहीं दिया।
प्रधानमंत्री बयान तो दे पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट चलने के बाद पार्लियामेंट के बाहर बयान दे रहा है प्रधानमंत्री, ये तो संविधान का अवमान करने का, संसद के अवमान का मामला है। जब पार्लियामेंट चलती है तो किसी मिनिस्टर को बाहर बोलने का अधिकार नहीं है, पार्लियामेंट में बोलना पड़ता है। नरेंद्र मोदी ने बहुत सारा इंडिया के नाम पर, बहुत सारे इंडिया के नाम पर योजनाएं बनाई, नरेंद्र मोदी ने इंडिया के नाम लेकर के बहुत सारी योजनाएं बनाई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोगेट किया। गवर्नमेंट की योजनाएं हैं तो क्या वो इंडिया अभी ईस्ट इंडिया है, वहां से लिया उन्होंने? चुनाव से पहले मोदी जी घबरा गए हैं। नहीं, ध्रुवीकरण के पीछे सोच ऐसी है, उनको ऐसा लगता है कि शायद हमको बहुमत नहीं मिलेगा, इस वजह से ध्रुवीकरण करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। नया स्वरूप छोड़ा गया यूसीसी, क्या लगता है कि इंडिया को, इंडिया विपक्ष, ये हिंदू मुस्लिम्स का ध्रुवीकरण करने का राजनीतिक हथकंडा है। अगर कामयाब हो गया तो बीजेपी आ जाएगी। अगर मुसलमान मैदान में उतरे होते तो चुनाव ऐलान हो गया होता। मुसलमानों ने बहुत समझदारी से काम लिया, उन्होंने वो काम नहीं किया। किसके विरोध में? बीजेपी के विरोध में। बीजेपी तो जाने वाली है मैडम, बीजेपी 24 आने दीजिए, जाने वाली है। पसमांदा मुस्लिमों को हित के बात, मुसलमान यूनाइटेड हो करके बीजेपी के विरोध में वोट डालता है तो बैकवर्ड के नाम पर उसको डिवाइड किया जा सकता है। इंडिया और वो बैकवर्ड के लिए भी कुछ करने वाली नहीं है ओबीसी, उनको केवल बीजेपी को वोट चाहिए, क्योंकि जो मोदी बैकवर्ड का है वो बैकवर्ड का अभी गिनती करने के लिए तैयार नहीं है, जानवरों की गिनती कर रहा है नरेंद्र मोदी। इतने शेर है, इतने भालू है, इतने अभी जंगल में ये है, मगर ओबीसी इंसानों की गिनती नहीं कर रहा है नरेंद्र मोदी। विश्वास प्रस्ताव लाने से कुछ होगा? इंडिया विपक्ष का इंडिया अविश्वास प्रस्ताव पास ला रही है मोदी सरकार के खिलाफ। क्या अविश्वास प्रस्ताव पास विपक्ष के खिलाफ, क्या इससे कुछ होगा? वो अविश्वास प्रस्तावों के पीछे अपोजिशन का दाव पेज ये है कि हमने प्रधानमंत्री को बुलाने के बावजूद भी पार्लियामेंट में नहीं आ रहे, अविश्वास प्रस्ताव के बाद उसको आना ही पड़ेगा। लेकिन अमित शाह कल बैठक, ये तो दाव पेज है अपोजिशन का, अमित शाह कल बैठक पढ़ाएंगे हैं कि हम तैयार है तो मैं तो प्रधानमंत्री को आना पड़ेगा ना अंदर। क्या वजह है कि पीएम मोदी इस तरह की चर्चा के लिए तैयार नहीं हो रहे, इसके पीछे क्या वजह, आपको क्या लगता है? देखो, मोदी का थ्रू आउट लाइफ में एक कैरेक्टर है, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं मानता। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि जब कोई जवाब सवाल पूछा जाए तो जवाब दिया जाए, ये मोदी का कैरेक्टर नहीं है। सर, आपका आंदोलन कैसा रहा ईवीएम को लेकर? आप हमेशा ये रहते हैं, आगे का क्या प्लान है? 2024 नजदीक है, ईवीएम के बारे में अभी आने वाले समय में और भी बड़ा आंदोलन करेंगे, केवल ईवीएम के मुद्दे पर भी भारत बंद किया जा सकता है। अभी 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 आपको जो 7 अगस्त को हमारा आदिवासियों के द्वारा भारत बंद है यूसीसी के विरोध में, सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज हो जाती है ईवीएम को लेकर, तो संविधान में केवल सुप्रीम कोर्ट ही है क्या? संविधान में सड़कों पर उतरने का भी तो है, सड़कों पर भी तो निपटा जा सकता है बदमाशों को। कौन जीत गया? हाँ, तो ईवीएम का दो ही तो पार्टी को फायदा हो रहा है, एक कांग्रेस को हो रहा है, एक बीजेपी को हो रहा है। आप पत्रकार होने के बावजूद भी आप हमको बोल रहे हैं। और कौन सी पार्टी है? देखो, पार्टी तो पनपने दिया जाए, ये तो डेमोक्रेसी है, रूलर डेमोक्रेसी, वो तो ये तो खत्म हो रहे हैं। तो आपने सुनो जो कि यूसीसी को लेकर और मणिपुर को लेकर तमाम मुद्दों पर इन्होंने बात किया और साफ तौर पर मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आए। बाकी पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।